हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्क दिस वे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ ये प्लाईवुड की कटिंग ली है। इसे मैंने लोकल कारपेंटर की शॉप से कट करवा लिया था। आप अपने हिसाब से कैसे भी कटिंग ले सकते हैं यहाँ पे। देन फिर यहाँ मैंने सबसे पहले होममेड जैसो अप्लाई किया है। अगर आपको नहीं पता है कि जैसो कैसे बनाते हैं तो इसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसे मैंने 1 आवर तक पूरी तरह से ड्राई होने के लिए रख दिया था। यहाँ मैंने फिर कुछ एक्रिलिक कलर और स्पॉन्ज लिया है। आप चाहे तो आप यहाँ पे पेंट ब्रश की हेल्प से भी पेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो आप यहाँ पूरी वुडन पे सिंगल कलर भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ इसे 2 कलर में पेंट किया है। सारे कलर होने के बाद में हमारी वुडन स्टिक कुछ इस तरह से दिखेगी। फिर यहाँ मैंने कुछ ये प्रिंट आउट लिया है और इसे ट्रेस करने के लिए कार्बन पेपर की हेल्प से आप आसानी से इसे ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ इसे कलर करने के लिए मैंने राउंड ब्रश और एक्रेलिक कलर लिया है। सारे कलर हो जाने के बाद में हमारी प्लाईवुड कुछ इस तरह की दिखेगी। जब आपका सारा काम फिनिश हो जाए तो एक वार्निश का फूल इस पर हम ज़रूर अप्लाई करेंगे। हैंग करने के लिए मैंने यहाँ जूट रोप और ग्लू गन का यूज़ किया है। ग्लू गन की जगह आप फेविकॉल, फेविक्विक या फेविबॉन्ड इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये दीवार पे आसानी से हैंग हो जाएगा।
इसी के साथ ये आज का हमारा वुडन हैंगिंग DIY रेडी है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।